नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के समीप राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, विधि मंत्री शमीम अहमद और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी समेत कई मंत्री, पूर्व मंत्री, MLC, MLA एवं गणमान्य लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने आरती पूजन, भजन और बिहार गीत के साथ देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ और कई जनप्रतिनिधियों के साथ कई सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भागलपुर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इसको लेकर भागलपुर नगर विधायक अजय शर्मा के आवास पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की जयंती मनाई। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर पुष्पांजलि दी और हमेशा उनके आदर्शों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अभय आनंद ने कहा कि बाबा साहब ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में बिता दिया। साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को शिक्षित बनाने, संघर्ष करने और एकता में सभी को पिरो कर रहने की सलाह देते थे, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार जाति धर्म के नाम पर सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करती है, जिसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें जनता 2024 के चुनाव में देगी। मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस के अलग अलग प्रकोष्ठ के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे थे और हम लोगों ने आज के दिन में यह संकल्प लिया है कि जिस तरह भाजपा, RSS और उनके नुमाइंदे नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारतीय लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, उससे भारतीय जनतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज संघर्ष करने का प्रण लिया है कि चाहे कोई भी परेशानी उठानी पड़े, चाहे जो कैसा भी संघर्ष करना पड़े, कांग्रेस पार्टी को जो है भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करेगा, अपना बलिदान देगा। यही हम लोगों ने आज संकल्प लिया है बाबा साहब के जो है जन्मदिन के अवसर पर। नाथनगर से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दोगच्छी बाईपास किनारे शुक्रवार को एक अज्ञात नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि लाल रंग के तौलिए में नवजात शिशु का शव कोई गाड़ी से रखकर चला गया, जिस पर आसपास के लोगों की नज़र पड़ते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इधर इस घटना को लेकर लोगों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कोई निर्दयी बताते हुए बच्चे की हालत के लिए उसके अभिभावक को कोसता दिखा। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची नाथनगर थाने की पुलिस शव को उठाकर थाने ले आई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। फेन प्रशासन अनो सटे गए फेन अल। अच्छा, अब की रहूँ कपड़ा में ललका कपड़ा में लपेटल रहूँ ये पता नहीं, इतने में बात हुए पड़े। कौन चीज है में कोई लहास नहीं लगे, अब कौन चीज लहास रहे ये पता नहीं लहास रहे। आ कखनी से उठ के रे नहीं ध्यान दिल मगर खाली देखियो कोई ना सलाह प्रशासन खास। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड नया गांव पंचायत अंतर्गत बाथनगांव के शिवेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत रस महोत्सव को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 1000 महिलाओं एवं कुमारी कन्याओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद पंडित के द्वारा विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र गंगा जल कलश में भरकर कलश यात्रा पूरी की गई। वहीं इसके बाद 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व सुल्तानगंज से जल भरकर श्रद्धालु नंगे पांव यात्रा करते हुए मोदीपुर गांव पहुंचे, जबकि इस दौरान गाजे बाजे घोड़े एवं रथ के साथ शोभा यात्रा में भोलेनाथ के जयकारा से गूंजता रहा। वह यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने श्रद्धालुओं को अपने घर के समीप पानी और शरबत पिलाकर स्वागत किया।
भागलपुर नाथनगर के लालूचक में सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद भागलपुर की ओर से अंबेडकर जयंती पर सामाजिक समता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विषय पर विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव के किशोर और युवा वर्ग के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संवेद के विक्रम ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक अनुपम व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने विचारों की आज़ादी को वास्तविक आज़ादी माना और समता के मूल्यों के लिए आजीवन संघर्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहब का मानना था कि समानता का संघर्ष ही वास्तविक संघर्ष है, जबकि हमारे देश के संविधान में उनके विचारों की झलक भी मिलती है। इधर कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने कहा कि समानता के संघर्ष को और मजबूत करने की ज़रूरत है। कार्यक्रम को संवेद के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार शाह, आशीष कुमार, वर्षा कुमारी, सुनील कुमार मंडल और विजय कुमार के अलावे कई युवक युवतियों ने भी संबोधित किया। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। पीरपैंती के प्रिय दर्शनी भवन शेरमारी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष दक्षिणी रंजीत साह ने किया, जबकि मंच संचालन सुधांशु कुमार ने किया। वहीं कार्यक्रम में पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान भी शामिल हुए। अपने संबोधन में पूर्व विधायक ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए हुए मूल मंत्रों को याद कर उस पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में दबे कुचले वर्गों का विकास हो सके, इसके लिए सभी को बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर देश को आगे ले जाना होगा। मौके पर जनार्दन आजाद, कैलाश यादव, गोपी चंद यादव और आशा भारती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जो है जयंती समारोह हम लोग शेरमारी बाजार के विवाह प्रियदर्शी विवाह भवन में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पूरे बिहार में हर जिला में हर प्रखंड में आज जो है हर पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती समारोह मनाई जा रही है। उसमें यहां पर जो है शेरमारी के में पीरपैंती प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष श्री रंजीत साह के अध्यक्षता में यहां पर भी मनाया गया। भागलपुर के नाथनगर रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 1 स्थित डाउन रेलवे ट्रैक पर बीते दिनों ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गया हावड़ा ट्रेन से टकराने के बाद अधेड़ व्यक्ति कुछ दूरी पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही लोगों ने कहा कि देखने से वह व्यक्ति नशे की हालत में लग रहा था, जो रेलवे ट्रैक पर अकेले खड़े होकर कुछ अश्लील हरकत कर रहा था और ट्रेन को आता देखकर भी वह पटरी से नहीं हटा, जबकि लोगों ने उसे कई
बार आवाज लगाकर हटने को भी कहा, लेकिन वो नहीं हटा, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने छत विक्षत अवस्था में ट्रक पर से शव को हटाकर अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मृतक के शव की पहचान के प्रयास में जुटी है, जिससे उसके परिजनों को इस घटना की जानकारी दी जा सके।